राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। तो लीजिए, प्रस्तुत है महाकवि कल्हण की विश्व विख्यात ऐतिहासिक रचना राज तरंगिणी के रेडियो नाट्य रूपांतर का छठा भाग। कश्मीर के सम्राट मेघवाहन ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार विप्रवर के घर लौट जाने पर उसके बालक के प्राणों की रक्षा के विचार से अपने प्राण देने का निर्णय लिया और रात्रि होने पर अपने शयन कक्ष में चला गया। शैया पर पड़े राजा को नींद नहीं आई। वो उठा और चुपचाप भगवती दुर्गा के मंदिर जा पहुंचा। रात्रि के समय बलि के रूप में अपना शरीर देने के लिए उद्यत राजा को प्रत्यक्ष दर्शन देकर देवी ने उसे प्राण दान करने से रोका और विप्रवर के बालक को स्वस्थ कर दिया। अद्भुत चरित्र वाले राजा मेघवाहन ने 34 वर्ष राज्य किया। उसके पश्चात प्रवरसेन, हिरण्य, तोरमाण आदि ने कश्मीर का शासन संभाला। जिन दिनों राजा हिरण्य राज्य कर रहे थे उन्हीं दिनों उज्जैनी में श्री हर्ष नामक चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य राज्य कर रहा था। उसी काल की बात है कि मातृगुप्त नामक एक कवि श्री हर्ष से मिला। राजा हर्ष और मातृगुप्त का कश्मीर से घनिष्ठ संबंध रहा है। इस घनिष्ठ संबंध की रोचक कथा इस प्रकार है। कहो मित्र मातृगुप्त, यहां एकांत में बैठे किसका चिंतन कर रहे हो? आओ मित्र गुणाकर, तुम भी यहीं आकर बैठो। लो बैठ गया। परंतु मेरा नाम गुणाकर तो नहीं है? ना हो, मैंने तो तुम्हारे गुण देखकर तुम्हें यह नाम दे ही दिया। कुछ भी नाम हो तुम्हारा, मैं तो तुम्हें गुणाकर नाम से ही पुकारूंगा। क्यों, तुम्हें कुछ आपत्ति है? मुझे क्यों आपत्ति होने लगी? हाँ मित्रवर, मुझे आपत्ति है। अपने नाम पर नहीं, तुम्हारी उदासीनता पर आपत्ति है मुझे। मेरी उदासीनता? अब किंतु मैंने तो तुम्हारे प्रति कभी उदासीनता नहीं दिखाई। मेरे प्रति नहीं, स्वयं अपने प्रति उदासीन रहते हो तुम। ऐसा क्या देखा तुमने जिससे तुमने ये अनुमान लगाया? तुम जितने श्रेष्ठ कवि हो, जितने राजाओं के आश्रय में रह चुके हो, उतना लाभ तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। तुम्हें चाहिए किसी गुण ग्राहक सम्राट का सामीप्य। हाँ, संभवतः तुम ठीक कह रहे हो, परंतु कहाँ है ऐसा गुण ग्राहक नरेश? क्या तुमने उज्जैनी के सम्राट चक्रवर्ती श्री हर्ष विक्रमादित्य का नाम नहीं सुना? राजा विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करके भविष्य में अवतार लेने वाले कल की भगवान का भार हल्का कर दिया है। उनकी ख्याति दिग्दिगांतरों में व्याप्त हो चुकी है और गुणीजन बिना किसी बाधा के उनके निकट चले जाते हैं। तुम भी राजा श्री हर्ष के रत्नों में जाकर क्यों नहीं सम्मिलित हो जाते? सुनने और प्रत्यक्ष अनुभव में बहुत बड़ा अंतर होता है मित्र। किसी की प्रशंसा यूं ही नहीं हुआ करती, कुछ गुण होते हैं। अच्छा, तभी प्रसिद्धि मिलती है।
राजा विक्रमादित्य के दरबार में तत्वज्ञानियों, विद्वानों और गुणीजनों को सम्मान और संपदा प्राप्त करने के लिए बहुत देर तक हाथ जोड़कर विनती नहीं करनी पड़ती। उनके समक्ष अपने मनोभाव प्रकट करने के लिए कवियों को आलंकारिक भाषा का आश्रय नहीं लेना पड़ता। कवियों और राजाओं के संबंध में बड़ा गहरा अनुभव है तुम्हारा है? कहीं पिछले जन्म में तुम भी तो किसी राजा के आश्रित कवि नहीं थे? हंसी में उड़ा देने की बात नहीं है, मैं ठीक कह रहा हूं। योग्य और अयोग्य की विवेचना में निपुण श्री हर्ष की सेवा में रहने पर गुणी जनों का गुण व्यर्थ नहीं जाता। उचित सम्मान पाने की आशा से आए हुए विद्वानों को वहां से निराश नहीं लौटना पड़ता। मेरा परामर्श मानो और उज्जैनी जाने का विचार करो। मैं चला अपने आश्रम की ओर। गुणाकर, नाम तो मैंने ही दिया है इसे, तब गुणाकर का परामर्श मान लेने में क्या हानि है? निश्चय ही मुझे सम्राट विक्रमादित्य से संपर्क साधना चाहिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अवश्य, चले आइए, द्वार खुला है। आइए आइए, इधर विराजिए। कहिए, कैसे आना हुआ? क्या मैं श्रीमान का नाम जान सकता हूं? नाम जानकर क्या करेंगे, इतना ही पर्याप्त है कि मैं एक राज सेवक हूं। वो तो आपकी वेशभूषा से ही अनुमान लगाया जा सकता है, फिर भी जो भी आपको उचित लगे, आप मुझे उसी नाम से पुकारें। तो मैंने आज से आपको नाम दिया कमलाकर, कैसा लगा? कमलाकर बहुत अच्छा लगा, किंतु मैं तो आपको कवि जी कहकर ही पुकारता हूं। आप चाहें तो मुझे सेवक कहकर पुकार सकते हैं। बंधुवर, कवि तो मुझे ईश्वर ने बनाया है, कविता मुझे प्रभु के वरदान में मिली है, पर आपको प्रभु ने सेवक बनाकर नहीं भेजा, वो तो आपने स्वयं सेवक धर्म स्वीकार किया है। जैसे मेरे कुछ मित्र मुझे कवि कहकर पुकारते हैं, तो कुछ मातृगुप्त कहकर, वैसे आपको सेवक कहकर तो कोई ना पुकारता होगा, नाम तो आवश्यक है। चलिए छोड़िए इस प्रसंग को। हाँ तो कविवर मातृगुप्त, मैं तो आपसे मिलने चला आया इस दृष्टि से कि आपका शांत स्वभाव मुझे अच्छा लगा, संभवतः मैं भी आपका अनुगामी बन सकूं। ये तो अपनत्व तो है आपका। एक बात पूछूं आपसे? क्यों नहीं, अवश्य पूछो। यों भी राजा के निकटवर्ती जनों का ये कर्तव्य है कि वो किसी भी नवागंतुक के संबंध में जानकारी रखें। आप नवागंतुक अब कहां रहे, आपको सम्राट के संपर्क में आए बहुत समय बीत गया है। मुझे आप भेदिया ना समझे, मैं तो आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर आपकी निकटता के लिए आया हूं। बंधु, मैंने आपको आहत करने के लिए कुछ नहीं कहा, कहिए क्या पूछना चाहते थे आप? आपको राजा के संपर्क में आए इतना समय हो गया, मैं जानना चाहता था कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। बहुत सुखद, मैंने जैसा सुना था उससे भी कहीं बढ़कर पाया। उचित सम्मान पाने की आशा से आए व्यक्ति को यहां से निराश नहीं लौटना पड़ता। सम्राट की बात तो अलग, सम्राट के आप्त पुरुषों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके गुणों की मिथ्या ख्याति हुई हो। न तो यहाँ कोई गुटबंदी है और ना ही राजा व्यर्थ प्रशंसा सुनना चाहते हैं। आप सच कह रहे हैं, सम्राट विक्रमादित्य बहुत ही विवेकशील और शालीन है। हाँ, पूर्व जन्म के पुण्योदय से ही मुझे ऐसे अद्वितीय नरेश का सानिध्य प्राप्त हुआ है, मैं अपने भाग्य को सराहता हूं। पूजा का समय हो चला है, मैं चलता हूं, आप तो यहीं ध्यान लगाकर बैठेंगे। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, प्रणाम।
प्रणाम। सम्राट के सभी जन सभ्य और शालीन हैं। सम्राट स्वयं भी गंभीर, गुणज्ञ और स्थित प्रज्ञ है। वे स्वयं सबकी भावनाओं को समझते भी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा अभीष्ट सिद्ध होने में विलंब नहीं लगेगा। मंत्रीवर, कहिए महाराज। मातृगुप्त को हमारे संपर्क में आए बहुत समय व्यतीत हो गया है। अपने गुणों से कविवर ने हमारा मन मुक्त कर दिया है। सम्राट, मातृगुप्त गुणी ही नहीं उच्च विचारों से भी संपन्न है। मंत्रीवर, आपने हमारे मुख की बात छीन ली। मातृगुप्त की गंभीरता उदांत अद्वितीय सत्कार प्राप्ति की योग्यता को सूचित करती है। शरतकालीन रात्रि के समान मातृगुप्त हमारे पास ना तो अधिक देर तक रहता है और ना ही बहुत कम समय तक। हम इसकी मध्यम स्थिति से बहुत प्रसन्न हैं। राजन, हमने अनेक प्रसंगों में यह अनुभव किया है कि जब कभी आप कविवर की प्रशंसा करते हैं तब भी वो स्थिर रहते हैं, और जब कभी आप अवमानना करते हैं तब भी वो विचलित नहीं होते। राज सेवा संबंधी उत्साह में भी कभी शिथिलता प्रकट नहीं करते वो। मंत्रीवर, हम आपसे अपने मन की एक बात कहें? ये तो मेरा अपरिमित सौभाग्य होगा। कल हमने अतिशय दुर्बल, मलिन वस्त्र और मलिन देह किंतु प्रसन्न मुद्रा में मातृगुप्त को देखा तो हमें अपने ऊपर बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ। हमने मन ही मन विचार किया कि इस परदेशी गुणी असहाय तथा बंधु बांधवों से दूर विद्वान की कठोर परीक्षा करते हुए हमने इसे बहुत कष्ट पहुंचाया है। हमें धिक्कार है। राजन, आप व्यथित ना हो, आपकी उदारता से कौन अपरिचित है। ऐश्वर्य के मद में मूढ़ बनकर हमने कभी यह भी नहीं सोचा कि ये कहां रहता है, क्या खाता है और क्या पहनता है। शीत आतप पर वायु से सूखते हुए इस पुरुष रूपी वृक्ष को आज तक हमने कभी बसंत ऋतु के समान शोभा संपन्न करने की चेष्टा नहीं की। अब आप ही बताएं कि हमने जिस प्रकार इस गुणी की कठोर परीक्षा ली है उस महान सेवा के बदले में हम इसे कौन चिंतामणि या अमृत कलश सौंप दें। राजन, आप सर्व समर्थ हैं। आप जो भी चाहे कविवर को दे सकते हैं। आप थके हुए जान पड़ते हैं। अब आप विश्राम करें, किसी उपयुक्त अवसर पर इस बात पर विचार कीजिएगा। अब आप मुझे आज्ञा दें। आज्ञा है। परिचारक, पर्याप्त रात्रि बीत चली है, अब हमें निद्रा सता रही है। सब दीपकों को ठीक से जलाकर और द्वार पर पहरेदारों की व्यवस्था कर तुम भी विश्राम करो। पहरे पर कौन है इस समय? भयानक शीत लहरें देह को कंपित कर रही हैं। सभी दीपक बुझे पड़े हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता। कौन है पहरे पर? मैं हूं पहरे पर। मैं मातृगुप्त। मैं सेवा में उपस्थित हूं। कहिए, क्या आज्ञा है? अंदर आओ, यहां आकर सुनो। जी। दीपकों को ठीक से जला दो। बहुत अच्छा। बाहर कहां जा रहे हो? इधर आओ, क्षण भर यहीं ठहरो मेरे पास। जी जी जी। इतने कांप क्यों रहे हो? शीतल वायु के कारण या मेरी आज्ञा में कुछ संदेह के विचार से? केवल शीतल वायु के कारण। भीतर अस्थियों को फोड़कर नाड़ियों तक को प्रकंपित करने वाला पवन तीव्रता से बह रहा है। अभी कितनी रात्रि शेष है?
डेढ़ प्रहर। तुम्हें इस प्रकार रात्रि का निश्चित समय कैसे ज्ञात हुआ? क्या तुम सोए नहीं थे? सम्राट को अपनी करुण कहानी सुनाने का यही उचित अवसर है। तुम चुप क्यों हो मातृगुप्त? हमने कुछ पूछा है तुमसे? शीत से पीड़ित उड़द की फली के समान चिंता रूपी समुद्र में डूबता मैं, बुझी हुई अग्नि को अपने फटे हुए होठों से प्रज्वलित करने का व्यर्थ प्रयत्न करता हुआ क्षुधा से दुर्बल कंठ वाला मैं, कौन साथ देगा ऐसे दरिद्र का? मेरी नींद किसी अपमानित नायिका के समान मुझको त्याग कर चली गई श्रीमान, किसी सुपात्र के द्वारा दी गई भूमि के समान रात बीत जाने का लेती नहीं नाम। साधु साधु, हमारा साधुवाद ग्रहण करो कविवर मातृगुप्त। तुम और तुम्हारी प्रतिभा साथ ही तुम्हारा श्रम अत्यंत सराहनीय है। अब तुम अपने स्थान पर जाकर विश्राम करो। जैसी श्रीमन की आज्ञा। धिक्कार है हम पर, धिक्कार है हम पर जो गुणी होते हुए भी खिन्न मनस्क इस विद्वान पुरुष के मुख से ऐसे वेदनापूर्ण वचन सुनकर भी हम तटस्थ व्यक्ति की भांति शांत बैठे हैं। हमारे साधुवाद की भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बहुत दिनों से सोचते हुए भी हम इसकी योग्यता के अनुसार सत्कार करके इसे देने योग्य कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं दे सके। हाँ, कवींद्र मातृगुप्त के मुख से निकले काव्य में एक वाक्य था, किसी सुपात्र के द्वारा दी गई भूमि। इस समय कश्मीर के राज्य मंडल में कोई राजा नहीं है, यद्यपि अनेक नरेश उस राज्य को प्राप्त करने के लिए लालायित होकर प्रार्थना कर चुके हैं, किंतु उन सब की प्रार्थना ठुकरा कर हम वो राज्य इसी महानुभाव को देंगे। हाँ, हम वो राज्य इसी महानुभाव को देंगे। चिंतन करते करते रात्रि का शेष भाग बीत गया। भगवान भुवन भास्कर उदित हुआ चाहते हैं। हमें भी शैया का परित्याग कर नित्य कर्म से निवृत्त हो देवोपासना के उपरांत राज्य कार्य में लगना है। इससे पूर्व कि मंत्री परिषद की कार्यवाही आरंभ हो, हमें चाहिए कि रात्रि में लिए गए निर्णय को कार्यान्वित करने के निमित्त पग उठाएं। प्रतिहारी, प्रतिहारी! सम्राट की जय हो। हमारे चतुर दूतों को तुरंत हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। जो आज्ञा सम्राट। सम्राट की जय हो। आप इसी समय कश्मीर जाएं, वहां जाकर कार्यकारी मंत्रिमंडल से भेंट करें, और ये लो, ये हमारा आज्ञा पत्र है, इसे बंद कर अपनी मुद्रा लगा दी गई है। ये आज्ञा पत्र मंत्रिमंडल को सौंप देना। जैसा श्रीमान का आदेश। और हां, हमारा एक मौखिक संदेश भी है।
मंत्रिमंडल के समक्ष कहना, सम्राट श्री हर्ष ने आप श्रीमानों के लिए संदेश भेजा है कि आज्ञा पत्र अभी खोला ना जाए। हमारे आज्ञा पत्र की प्रतिलिपि लेकर मातृगुप्त नाम का जो व्यक्ति आपकी सेवा में उपस्थित हो, उसको निसंदेह कश्मीर के राज्य सिंहासन पर अभी सिक्त करके वहां का शासक बना लीजिए। और देखो, ये बातें गुप्त रखनी हैं, किसी को भी कानो कान पता ना चले। सम्राट निश्चिंत रहें, आपके सभी समादेशों का यथावत पालन किया जाएगा। तो आप लोग जाएं और कश्मीर जाने की तैयारी करें। जो आज्ञा महाराज। इस एकांत कक्ष में जैसे मेरा सांस अवरुद्ध हुआ जा रहा है, गतानुगति के चक्र में उलझकर मैं कितने भ्रम में पड़ गया था। कैसे भ्रम में पड़ गया था जो लोगों के मुख से प्रशंसा सुनकर इस राजा को अपना सेव्य समझ बैठा। संभवतः मेरा ऐसा सोचना व्यर्थ ही है। मैंने स्वयं भी तो अपनी आंखों से श्रीहर्ष की उदारता देखी है। सम्राट ने अपने अनेक कृपा पात्र स्नेहियों को धन देकर संपन्न बनाया है। सब लोगों को सम्राट के निकट जाते देख, वो भी बिना किसी बाधा के, मैंने स्वयं देखा है। ऐसी दशा में त्यागी और निष्कलंक नरेश का क्या दोष। मेरे पाप ही हैं जो मेरे भाग्य में बाधक बने हुए हैं। कविवर, क्यों अपने भाग्य को कोस रहे हो? ऐसा क्या हो गया? अरे अरे, आओ बंधु कमलाकर, आओ आओ, बैठो बैठो मेरे पास। जब आ ही गया हूं तो बैठूंगा भी। लो, बैठ गया। अब बताओ, भाग्य को दोष किस लिए दे रहे थे? अब अपने और सम्राट के संबंध में सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि जो लोग शंकर भगवान के चरणों की सेवा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनके हाथ भस्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं लगता। किंतु जो उनके वृषभ नंदी की सेवा करते हैं, उन्हें शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति होती है, उत्तरोत्तर सुदिन देखने को मिलते हैं। मित्र, तुम हर समय कविता में ही क्यों बात करते हो? अरे कभी तो सहज सीधी भाषा में बात किया करो। बंधुवर, बहुत सोचने पर भी मैं अपने में कोई ऐसा दोष नहीं देखता जिसके कारण इतनी कठिन सेवा करने पर भी सम्राट मुझ पर प्रसन्न ना हो। मित्रवर, इस प्रकार से सोचने में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि बुद्धि मात्र से बुद्धिमान पुरुष भी कभी कभी हताश होकर भ्रम में पड़ जाते हैं। क्या कविवर मातृगुप्त इस समय अपने निवास स्थान पर हैं? कौन हो भाई, भीतर चले आओ, मैं यही हूं। मातृगुप्त की जय हो। कविवर, सम्राट ने आपको अभी सेवा में उपस्थित होने के लिए कहा है, हम आपको साथ ले जाने के लिए ही आए हैं। देखा कमलाकर भाई, विपत्ति कभी अकेले नहीं आती। सम्राट ने मुझे बुलाने के लिए सेवकों की पूरी सेना भेजी है बाहर, ऐसा लगता है। चलो भाई, चलता हूं। आइए कविवर, आइए। सम्राट की जय हो। मैं मातृगुप्त आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आदेश दीजिए राजन। लेखाधिकारी जी। महाराज, मातृगुप्त को वो मुद्रांकित बंद पत्र दीजिए। क्यों कवि जी? महाराज, कश्मीर का मार्ग जानते हो? जी 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 सम्राट। तो तुम कश्मीर जाने की तैयारी करो। जी। वहां जाकर ये बंद पत्र वहां के अधिकारियों को दे देना। अब ये पत्र खोलकर पढ़ने की भूल मत करना। इस बात को भूलना मत।
आपकी आज्ञा का अक्षरतः पालन किया जाएगा। आप निश्चिंत रहे महाराज। आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। अरे मित्र, दुर्बल असहाय और संकट सहने में असमर्थ मातृगुप्त को देखकर मुझे तो बड़ी दया आती है और मुझे सम्राट के प्रति क्रोध। ये बड़े विस्मय की बात है कि सम्राट विक्रमादित्य बिना सोचे समझे जो मन में आता है वही करते जाते हैं। साधारण हर कार्य का नाम विशिष्ट जनों से लेना कहां का न्याय है। अरे मित्र, मातृगुप्त की नियति मयूर की नियति के समान है। द्युतिमान वस्तुओं से प्रेम करने वाला मेघ निस्सार इंद्रधनुष को देखकर ही पुलकित हो उठता है कि विविध रंगों वाले मेरे पंख देखकर वो अवश्य बहुत प्रसन्न होगा। इस आशा से मयूर अपने पंख फैलाकर बादल के समक्ष नृत्य करने लगता है, किंतु मेघ कभी कभी ओले बरसाकर मयूर को आहत भी कर देता है। बेचारे मातृगुप्त का भाग्य। राज तरंगिणी। अभी आप महाकवि कल्हण की महान कृति राज तरंगिणी पर आधारित रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर का छठा भाग सुन रही थी। रूपांतरकार और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित पटु। प्रस्तुतकर्ता मधु अत्री। संगीतकार रास बिहारी दत्ता। रिकॉर्डिंग इंजीनियर के एन जोशी और प्रबंध संचालन अशोक मलकानी। भाग लेने वाले कलाकार थे अश्वनी वालिया, मनोज भटनागर, रजनीश शर्मा, एस के शर्मा, अशोक मलकानी और योगेंद्र टिक्कू।